हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्योर ब्यूटी फाउंडेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये जो फाउंडेशन है, किस तरह की इसकी क्वालिटी है, कैसा रिजल्ट है, क्या इसके यूज़ करने से आपकी स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग ये रहता है या नहीं, सो फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो फाउंडेशन है, प्योर ब्यूटी का फाउंडेशन है, इसे बेस लिक्विड फाउंडेशन कहते हैं। एंड इसके अलावा ये मैट फाउंडेशन है, यानी कि ये मैट होती है। एंड इसके अलावा इस फाउंडेशन में आपको डिफरेंट शेड्स मार्केट से ईजिली मिल जाएंगे, यानी आपके स्किन पे जो सूट करे स्किन के हिसाब से ईजिली बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इसका जो बॉक्स होता है ऊपर का, अपर पैकेजिंग जो है इस तरह की होती है। ये इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की लाइंस होती है। अगर आप लाइंस पे फिंगर टच करते हैं तो ये लाइंस आपको बाकायदा फील होती है, क्योंकि गर्ल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि कौन सी फाउंडेशन ओरिजिनल है, कौन सी फेक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। एंड इसके अलावा इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट दोनों मेंशन हुई भी होती है। इजीली यहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको इस फाउंडेशन को कब तक यूज़ करना है। और जिस फाउंडेशन में मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट दोनों मेंशन हुई होती है, तो काफ़ी अच्छी फाउंडेशन होती है, क्योंकि आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आपको कब तक यूज़ करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं जो मेकअप करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, या सिर्फ किसी इवेंट वगैरह में जाती हैं, जब करती हैं तो उनकी जो फाउंडेशन है वो रखे रखे ख़राब भी हो जाती है, तो फिर वो सोचती हैं ख़राब हुई है या नहीं हुई, तो कैसे पता करें। तो आप ईज़िली यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं कि आप इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं। अगर डेट इसकी निकल जाती है, यानी एक्सपायर डेट इसकी जो है आप देख सकते हैं 11/2024, यानी 24 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इनर पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी जो बॉटल है, ग्लास बॉटल है, आप देख सकते हैं जिस तरह से डिफरेंट फाउंडेशंस होते हैं उसी तरह से इसकी पैकेजिंग है। एंड इसका जो लिड है आप देख सकते हैं, ये मेटल फॉर्म का है, अंदर से ये प्लास्टिक का है, आप देख सकते हैं टाइटली क्लोज होता है। अगर बॉटल के कैप टाइटली क्लोज ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। एंड जो शेड आपको मैं शो करवा रही हूँ 801 है, यानी कि आप इसको फेयर टोन कह सकते हैं। एंड इसके अलावा ये पिंक टोन आपको स्किन पे देती है, एक फेयर टोन बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर, नॉर्मल यानी इतनी ज़्यादा फेयर भी नहीं, इतने ज़्यादा डल भी नहीं, तो मीडियम पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा ये शेड है। एंड फोर शेड आपको मैं और शो करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं 801 है, 802 है, 803 है, 804 है, यानी फोर शेड्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो फोर शेड है अलग अलग स्किन के हिसाब से है, यानी अगर आपकी थोड़ी डल है तो थोड़ा सा डल फाउंडेशन आप लगाएंगे, अगर आपकी फेयर टोन स्किन है तो आप फेयर लगाएंगे, उससे ज़्यादा फेयर टोन है यानी कि आइवरी शेड अगर आप लगाते हैं तो आप इसको में फेयर टोन लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा इस फाउंडेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे 2-in-1 फाउंडेशन कहा जाता है। ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये इतना ज़बरदस्त रोल क्रिएट करता है, यानी कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 2 रिज़ल्ट देता है आपके स्किन पर। एंड थर्ड नंबर पे सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है कि यूवी पाउडर भी इसको कहा जाता है, यानी कि अगर आप इसको लगा के इवनिंग पे कहीं जाते हैं तो आपकी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, काफ़ी अच्छी रहती है, फ्रेश लुक लगता है आपके स्किन पर। एंड इसके अलावा इसमें मेंशन हुआ हुआ है फ्रेश ऑल डे, यानी कि ऑल डे पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप सिर्फ पार्टीज़ वगैरह पे अगर लगा के जाएँ तो वेल एंड गुड। अगर आप इसको डेली लगाना चाहते हैं, यानी कि आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर आप ऑफिस जाती हैं, तो आप इसको लगा के बिल्कुल जा सकती हैं। बट थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है और लगाना है, अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन होती है, तो आप अगर ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आप लगाना भी चाहती हैं तो पहले कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड इसके अलावा स्टूडियो जोन फाउंडेशन है ये, अब इसका टेस्ट करवा के शो करवा देती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है मैट लिक्विड फाउंडेशन है, अगर एप्लीकेशन इसकी करेंगे तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है या नहीं। एंड इसके अलावा ये वाटरप्रूफ है या नहीं, तो आपके साथ इसका रिजल्ट मैं शेयर कर देती हूँ। फोर नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एंड इसके अलावा 801 है, यानी कि फेयर टोन है मेरे पास, ये आपके साथ मैं टेस्ट के तौर पर शेयर कर देती हूँ। एंड इसके अलावा जब भी आप कोई न्यू फाउंडेशन बाय करते हैं तो इस तरह से इसका पंप होता है, प्लास्टिक का इसका पंप है, ईजिली इसकी हेल्प से ये फाउंडेशन निकल जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि पंप इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि थिक फाउंडेशन होने की वजह से वो फाउंडेशन अंदर से बाहर ही नहीं आ पाते।
सो टेस्ट करके मैं आपको शो करवा रही हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली है, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली तरीके से ये ब्लेंड हो चुकी है फाउंडेशन। और इसके अलावा स्किन पे कितनी मैच कर रही है, बिल्कुल नेचुरल स्किन लग रही है। आप देख सकते हैं इस तरह की अगर आपकी स्किन है, नेचुरल टोन है, फेयर टोन है, तो आप इस फाउंडेशन को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, यानी ये नंबर इजिली यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन मेरी स्किन से मैच करती है। एंड वाटर टेस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, यानी आप देख सकते हैं मैंने इस पर बहुत सारा वाटर डाला है। उसके बाद फाउंडेशन बिल्कुल एज इट इज़ है, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, स्क्रैचेज वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं आए। एंड टिश्यू से मैं टैप करके दिखा देती हूँ कि क्योंकि आप कहीं भी इवेंट पे लगा के जाते हैं, अगर इवनिंग वगैरह पे ये फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो स्वेटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अगर आपको स्वेटिंग का इशू है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है जिस तरह से मैंने पानी डाला इस तरह से, तो फिर एनी टिश्यू लेंगे, इस तरह से आप टैप टैप करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फाउंडेशन एज इट इज़ है, यानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, टिश्यू से बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुई। सो इस टेस्ट से आपको ये पता चल चुका होगा ये जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़बरदस्त सी है, वाटर प्रूफ है। एंड लॉन्ग लास्टिंग की बात की जाए, अगर आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो ये मैक्सिमम आपके 5 आवर बिल्कुल क्रॉस करती है, यानी काफ़ी अच्छी सी फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन की हेल्प से आप पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं, सॉफ्ट मेकअप भी कर सकते हैं, डेली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ब्राइडल बेस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्राइडल पे जो सीक्रेट बेस बनाई जाती है उस पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस फाउंडेशन में यूवी पाउडर ऐड हुआ हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, वाटरप्रूफ बेस रहता है। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी फाउंडेशन यूज़ करें जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, रिज़ल्ट भी अच्छा हो, तो आप इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती ये फाउंडेशन है। एंड इस फाउंडेशन को बाय करने के लिए प्योर ब्यूटी कॉस्मेटिक के नाम से आप इजली बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो फाउंडेशन है क्वारंटी फ्री फाउंडेशन है, और आपको मार्केट से ईजली 550 या 600 के अंडर मिल जाता है, यानी कि इतना ज़बरदस्त फाउंडेशन अगर इतने में आपको मिल रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है और काफ़ी ज़्यादा ये चलता है। यानी कि इस फाउंडेशन को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई एक्ने वगैरह का इशू नहीं होता, क्योंकि सम टाइप ऐसा होता है आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो इशू यही रहता है कि फेस पे एक्ने हो जाती है या फिर मसले मसाइल हो जाते हैं या वो काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है। सो बेस्ट रिजल्ट के लिए इस फाउंडेशन को किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद आप नॉर्मल ड्राई होने देंगे। नाउअडेज़ जो वेदर चल रहा है, समर का चल रहा है, इस समर के वेदर में आप कोशिश किया करें सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लें, यानी कि चिल्ड वाटर जो होता है उससे धो लिया करें। आप आइसिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉटन पे या फैब्रिक पे आइस क्यूब रखें, उसके बाद फिर अपने फेस पे अच्छी तरह से आइसिंग कर लें। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डायरेक्ट इसमें प्राइमर यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, रफली है, तो फिर आप कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। फेस पे पहले अच्छी तरह से मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें और अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि वो आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए। एंड उसके बाद फिर आप प्राइमर लगाएंगे, किसी भी ब्रांड का आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्राइमर के लिए आप ग्लैमर फेस का भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, मिस रोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। एंड इसके अलावा प्राइमर डिफरेंट ब्रांड में भी आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्राइमर अपने फेस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन पे एक ब्लर बन जाती है, यानी कि एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे जो पोर्स वगैरह हैं वो क्लॉक हो जाते हैं और फिर आपके फेस पे जो स्वेटिंग का इशू है यानी कि पसीना जो आ रहा होता है तो वहाँ वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर आप इस फाउंडेशन को यूज़ करेंगे, ये जो फाउंडेशन है लिक्विड फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन अपनी स्किन पर अच्छी तरह से लगाएंगे, पूरे फेस पर लगा लें। उसके बाद ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर करनी है, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप फाउंडेशन किसी भी ब्रांड की लगा दें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर महंगी से महंगी लगाते हैं वो भी आपकी क्रैक कर जाएगी, अगर आप सस्ती भी लगाते हैं तो वो ऑलरेडी क्रैक करेगी। सो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पता होगा कि फाउंडेशन आप जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो वो काफ़ी देर लॉन्ग लास्टिंग रहती है, यानी काफ़ी देर तक स्टे करती है, काफ़ी अच्छी चलती है। जब फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और अच्छी तरह से फिक्स हो जाए आपके फेस पे, उसके बाद आप कोई भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो टीनेजर्स होती हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर यही यूज़ करना पसंद करती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहते हैं तो लूज़ पाउडर का यूज़ करें, क्योंकि जो लूज़ पाउडर होता है वो आपके पोर्स में अच्छी तरह से चला जाता है, जिसकी वजह से वो पसीने को रोकता है, यानी ऑयल कंट्रोल पाउडर कहलाता है।
एंड लूज पाउडर अप्लाई करने के बाद आपकी जो बेस है वो काफ़ी देर तक स्टे करती है, लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बेस है बहुत ही ज़बरदस्त सा, आपका जो मेकअप है वो भी फ्लॉलेस से लगता है। क्योंकि अगर बेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आपका जो मेकअप आपने अपने फेस पर करा है वो भी काफ़ी देर तक चलता है। लूज़ पाउडर अप्लाई करने के बाद आप मेकअप फिक्सर अपने फेस पे लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो ये आपका काफ़ी देर तक चलता है। अगर लगा लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज़बरदस्त सी बात है। फिर फेस पे लगाने के बाद आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा। इस तरह से आप इजीली कोई सी भी बेस्ट बेस क्रिएट कर सकते हैं। सो व्यूअर, ये फाउंडेशन किस तरह का है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।